हूं। आज हमारे साथ हैं श्री राजेश शर्मा, नेशनल एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर, आम आदमी पार्टी के नेशनल एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर, और लद्दाख और जम्मू कश्मीर यूटी के पॉलिटिकल इंचार्ज। तो ये मैं राजेश शर्मा से रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपने लद्दाख के जो इलेक्शन के सिलसिले में अपने ख्यालात इजहार करें। राजेश जी, नमस्कार पत्रकार बंधुओं, आज मैं आप लोगों के जरिए लद्दाख की जनता से मुखातिब होना चाहता हूं। इन दिनों जो राजनीति चल रही है, चुनाव की सरगर्मियां बहुत तेज है लद्दाख में, और इस वक्त जो राजनीति चल रही है वो है एक तरीके से झूठ की राजनीति, एक तरीके से धोखा देने की राजनीति। अभी तक भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो, इन्होंने पिछले 70 सालों में लद्दाख की जनता के लिए कोई काम नहीं किया है। क्योंकि मैं अभी जैसे कुछ दिनों से मैं लद्दाख आ रहा हूँ, तो मैं यहाँ देखता हूँ कि दिन में बिजली नहीं रह रही, ना हॉस्पिटल्स हैं सही, ना अस्पताल हैं सही, ना सड़कें हैं सही, ना पानी है सही। जब ये सारी बेसिक नीड्स की चीजें ही अगर ठीक नहीं है, तो पिछले 70 सालों में इन सब लोगों ने मिलकर क्या किया? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। आज हमने देखा कि सिक्स शेड्यूल को लेकर किस तरीके से लद्दाख की जनता को धोखा दिया गया। जब यूटी डिक्लेयर किया, यूटी डिक्लेयर करने के बाद लद्दाख की जनता चाहती थी कि हमारी एक हमारे लिए एक प्रोटेक्शन हो, हमारे लिए सिक्स शेड्यूल हो। जनता मांगती रह गई, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। यहाँ के जो एमपी है उन्होंने ध्यान नहीं दिया, यहाँ के जो भी भाजपा के नेता थे उन्होंने ध्यान नहीं दिया, केंद्र सरकार ने ध्यान नहीं दिया, और अंत में जाके लद्दाख की जनता को मजबूर होकर आंदोलन पर उतरना पड़ा और उन्होंने चुनाव बॉयकट तक की धमकी दी। तब जाकर केंद्र की आंखें खुली। आज केंद्र से पांच पांच मंत्री यहाँ आकर चुनाव प्रचार कर रहे हैं। एक छोटे से काउंसिल इलेक्शन के लिए पांच पांच केंद्रीय मंत्री का आना ये दिखाता है कि भाजपा लद्दाख में बुरी तरीके से हार रही है। और आम आदमी पार्टी पिछले यहाँ हमारा मेरे ख्याल से हम जुलाई अगस्त में हमने यहाँ लॉन्च किया था पार्टी को, और 3 या 4 महीने में ही आम आदमी पार्टी को लद्दाख की जनता ने बहुत ही प्यार और सम्मान दे रही है, और जिसके लिए हम लद्दाख की जनता के आभारी भी हैं। तो हम ये चाहते हैं कि राजनीति काम पर हो। पिछले 70 सालों में जो काम अगर कांग्रेस ने किए हैं तो कांग्रेस काम पर वोट मांगे, अगर भाजपा ने किए हैं तो भाजपा काम पर वोट मांगे। हम काम की राजनीति पर वोट मांगते हैं। अगर हमने दिल्ली में अच्छे स्कूल बनाए हैं तो हम यही वादा यहाँ भी कर रहे हैं कि हम लद्दाख में भी अच्छे स्कूल देंगे। अगर दिल्ली में हमने अच्छे मोहल्ला क्लिनिक्स बनाए हैं तो हम यही वादा यहाँ कर रहे हैं कि यहाँ के गाँव में हम छोटे छोटे क्लिनिक्स बनाएंगे, यहाँ के जो हॉस्पिटल है वो ठीक करेंगे, यहाँ की बेरोजगारी की समस्या है उसके लिए काम करेंगे, यहाँ जो कृषकों को किसानों को जो परेशानियां हैं उसके लिए काम करेंगे, यहाँ के नलकों में जो पानी नहीं आता उस पानी की व्यवस्था को बनाने के लिए काम करेंगे। तो आम आदमी पार्टी काम के ऊपर आधारित ही वोट मांगती है और यही हमारा मुख्य विजन है। तो हम इसको लेकर ही चाहते हैं कि राजनीति भी इसी तरीके से होनी चाहिए। आम आदमी पार्टी का क्लियर स्टैंड है कि लद्दाख की जनता की जो एस्पिरेशन है सिक्स शेड्यूल, ठीक है, वो सिक्स शेड्यूल मिलना चाहिए। केंद्र में भाजपा की सरकार है, यहाँ एमपी भी अभी भाजपा के हैं, उन्होंने इतना वक्त क्यों लगाया और अभी भी उनको मैनिफेस्टो में लिखने की क्या जरूरत थी? मैनिफेस्टो से पहले भी वो दे सकते थे। तो इस तरीके की राजनीति को अब बंद करना पड़ेगा। लद्दाख की जनता को भी समझना पड़ेगा कि हम लोग उनको ही वोट दें जो हमारे लिए काम करते हैं। मैं यही अनुरोध लद्दाख की जनता से करता हूँ कि इस बार आम आदमी पार्टी को आप लोग झाड़ू के निशान पर वोट दें, और एक जो पढ़े लिखे युवा है हमारे सारे कैंडिडेट उनको वोट देकर विजयी बनाए। अब आप लोग के कुछ सवाल हो तो सर, क्या लगता है आपको आने वाले वक्त में आम आदमी पार्टी की इस वक्त जो है स्थिति क्या है? क्योंकि पॉलिटिकली जो माहौल है वो काफी गर्म है। क्या आपको लगता है इस बार आम आदमी पार्टी कुछ सीटों पे जीत हासिल कर पाएगा? देखिए, चुनाव के वक्त में इस वक्त सरगर्मियां बहुत ही ज्यादा तेज हैं और हमारे सारे कैंडिडेट्स को बहुत प्यार मिल रहा है। जहां भी जा रहे हैं हमारे पास जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उससे तो स्थिति बहुत मजबूत दिख रही है। बाकी
सब लद्दाख की जनता के ऊपर है। हम तो आम आदमी पार्टी जो है वो जनता के जो भी फैसला होगा हम जनता के फैसला को नमस्कार करके स्वागत जनाएंगे, स्वागत करेंगे, नमस्कार करेंगे, लेकिन जहां तक हमें उम्मीद है कि हम बहुत अच्छा रिजल्ट देने जा, उम्मीद से ज्यादा। यस एक बात रह गई मेरी, फिर से बोलूं। जी। अभी पिछले दिनों भाजपा के नेशनल जनरल सेक्रेटरी ने यहां आकर कहा कि आम आदमी पार्टी एक डिस्ट्रक्टिव पार्टी है और उसको लद्दाख में घुसने नहीं देना है। मैं कहना चाहता हूं अगर भाजपा के करप्शन को डिस्ट्रक्ट करना डिस्ट्रक्टिव पार्टी की कैटेगरी में लेकर आता है तो हम लोग डिस्ट्रक्टिव पार्टी हैं। अगर कांग्रेस के करप्शन को खत्म करना हमें डिस्ट्रक्टिव पार्टी बनाता है तो हम लोग डिस्ट्रक्टिव पार्टी हैं। इस तरीके के कमेंट देने से भाजपा के नेशनल लेवल के जनरल सेक्रेटरी को बचना चाहिए। ये एक साफ सुथरी राजनीति नहीं है। हमने ईमानदार राजनीति का स्थापित की है दिल्ली में और हमने करके दिखाया। आज लद्दाख के बहुत सारे लोग यहाँ से दिल्ली में रहते हैं और लोगों का संबंध है, रोज रोज की जरूरतों के लिए उन्हें दिल्ली जाना पड़ता है। उन लोगों को सभी को पता है कि दिल्ली में हमने क्या काम किए। हमने स्कूलों का सुधार कर दिया, अस्पतालों का सुधार कर दिया, पानी की व्यवस्था का सुधार कर दिया, बिजली 24 घंटे आती है, पानी मुफ्त है। ठीक है, अगर 5 साल में हम इतना कुछ कर सकते हैं तो भाजपा और कांग्रेस अगर दिल्ली में थे तो उन्होंने क्यों नहीं किया। और हम वही ईमानदार राजनीति लद्दाख में भी स्थापित करके दिखाएंगे। सर उनका ये भी कहना था कि आम आदमी पार्टी सिर्फ दिल्ली में ही सीमित है, दिल्ली की बाहर कोई उनका अस्तित्व नहीं, इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार नहीं करती, आम आदमी पार्टी करप्शन नहीं करती, आम आदमी पार्टी एक ईमानदार राजनीति करती है। तो जब आप ईमानदार राजनीति करने के लिए जाते हैं तो आपके पास में रिसोर्सेज एंड लॉजिस्टिक कम होते हैं। और आज के दिन जो देश की राजनीति है, देश की राजनीति में पैसा और भ्रष्टाचार का बोलबाला है। लेकिन जिस तरीके से प्यार आम आदमी पार्टी को मिल रहा है उस तरीके से ना तो भाजपा को प्यार मिलता है ना कांग्रेस को प्यार मिलता है। वो पैसे के दम पे चुनाव जीतते हैं, वो मसल पावर के दम पे चुनाव जीतते हैं। आम आदमी पार्टी लोगों के दिलों में घर बना के बैठी है और आने वाले 2024 के जनरल इलेक्शन में इसका आप लोगों को क्लियर पिक्चर दिखाई पड़ेगी। सर आम आदमी पार्टी में जब हम बात करते हैं तो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर केजरीवाल जी के नाम आते हैं सबसे पहले, तो आपको नहीं लगता कि पार्टी जैसे लद्दाख में नया है तो उनका एक आके पब्लिक एड्रेस करना एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं पड़ सकता है आप आप बेटर कर सकते थे काम। देखिए चूंकि इस वक्त कोविड है नंबर एक, नंबर दो दिल्ली में प्रदूषण का एक बहुत बड़ी चीजें हैं, तो बहुत सारी चीजों में उनकी व्यवस्थाएं हैं। लेकिन हम एक चीज जानते हैं कि दिल्ली से कोई क्यों आए और क्यों करे, हमारे लद्दाख से कोई क्यों नहीं करे। तो हमारे जैसे आईजी साहब है, तो आज वो एक रिटायर्ड आईजी है और वो यहाँ सब देख रहे हैं। ही इज और केजरीवाल इन लद्दाख। तो आप तो आए, सब जैसे आप आए उसी तरह केजरीवाल भी जाते हैं मैं सर। तो एक ऑब्जर्वर हूँ, मैं एक ऑब्जर्वर हूँ, यहाँ चुनाव में देखने के लिए आया हूँ। लेकिन पार्टी को चलाना, पार्टी की सारी चीजों को देखना, ये काम तो हमारे आईजी नहीं साहब और यहाँ की कमेटी जो ये है वो बात तो करेगी। मानना पड़ेगा सर, जो पार्टी का फेस होता है वो आने से तो चुनाव में मतलब अच्छा इम्पेक्ट पड़ता है कोई भी पार्टी का हो। बिल्कुल एमपी चुनाव में आएंगे, सर छोटे कौंसल जिस के तरह चुनाव में से नहीं आएंगे। अगले आने वाले टाइम पे अगर आप एक डोमिनेंट फैक्टर बन जाता है पॉलिटिकल पार्टी एक लद्दाख में, तो जिस तरह से अभी बीजेपी में ट्रेंड चल रहा है कि मतलब बाहर से मिनिस्टर्स आके कैंपेनिंग करवाना, आपका क्या आइडियोलॉजी है? अगर कल को आप एक बहुत स्टैंड रहता है उनका, ग्राउंड रहता है, तो दिल्ली से भी ऐसे मिनिस्टर आके यहाँ पे कैंपेनिंग करेंगे या उस टाइम पे आप यही बोलेंगे कि यही के लोग को एड्रेस यही के लोग ही करेंगे? देखिए क्या है, अगर यहाँ की जो एग्जीक्यूटिव बॉडी हमारी होगी आम आदमी पार्टी की, अगर वो एग्जीक्यूटिव बॉडी वहाँ इनवाइट करती है, कोई इस तरीके का प्रोग्राम है, अगर पार्टी को लगता है कि वहाँ जाना चाहिए, तो डेफिनेटली लोकतंत्र में ऐसे ये तो प्रक्रिया का एक हिस्सा है, तो उसमें आएंगे भी जाएंगे भी, वो एक अलग चीज है। लेकिन आज के दिन हमारे जो यहाँ की टीम है, यहाँ की टीम, मैं यहाँ 2-3 दिन हो गए आए हुए, ठीक है, आपने मुझे किसी मीटिंग में नहीं देखा होगा। वो कहते हैं कि नहीं हम सब संभाल रहे हैं, तो वी आर वेरी प्राउड ऑफ देम कि देख, हमारी टीम इतने अच्छे से इसमें लगी इसमें एक चीज में ऐड करना चाहता हूँ। है। ये जो कौंसल वाले इलेक्शन में आज तक शायद पूरे हिंदुस्तान में नहीं देखा गया होगा कि केंद्र के केंद्रीय मंत्री जो है, आठ आठ दस दस केंद्रीय मंत्री आए हैं,
तो ऐसे छोटे इलेक्शन में उनका आना ये दिखाता है कि वो लोग कमजोर है, वो डरे हुए हैं, क्योंकि वो मजबूत नहीं है। हम मजबूत है, हालांकि हमारे केजरीवाल साहब यहाँ नहीं आए, ना हमने उनको इनविटेशन दी है, हम अपने यहाँ पर खड़े हैं, मजबूत है। तो वो घबराए हुए हैं, क्योंकि वो लद्दाख के पब्लिक जो है, आपने जब एपेक्स बॉडी बनाया, आपने देख लिया, पूरा लद्दाख के लोग जो है एपेक्स बॉडी के पीछे खड़ा था। और हमारे जो बीजेपी पार्टी का हो या मेंबर पार्लियामेंट, वो एक अलग रोड से जा रहे थे, तो लद्दाख के लोग एक अलग रोड से जा रहे थे, तो इसलिए वो लोग घबराए गए हैं। और जितने भी केंद्रीय मंत्री जो यहाँ आए हैं 8-10, उन्होंने लोगों को, एक तो वो कोड ऑफ कंडक्ट वायलेशन कर रहे हैं, वो यहाँ अनाउंस करते हैं हम ये देंगे वो देंगे, एक तो वो गलत काम कर रहे हैं, ये भी एक, देखिए ना, उनका आप नजरिया है मॉरल, ये इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो नहीं करते हैं। तो और ये लोग इतने से छोटे काउंसिल इलेक्शन में इतना मंत्री आते हुए आज तक आप लोगों ने कभी देखा होगा, या कोई एग्जाम्पल होगा तो आप हमें बताइए, पूछे, हम उसका उसका भी जवाब देंगे। राजेश सर जी, एक तरफ से भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि जो पार्टी यूनियन में गवर्नमेंट में सत्ता में है वही डेवलप कर सकता है जहां भी हो। तो कहना है कि डेवलपमेंटल पेस को लेवल में रखने के लिए लेह में भी भाजपा का आना जरूरी है, क्योंकि यूनियन में भाजपा है। क्या कहेंगे? उसको देखिए मैं कहूँ, मैं ये कहूंगा, देखिए ये जो है वो लोग जो है ना वो गलत बोल रहे हैं। यहाँ पर कितने स्टेट्स हैं हमारे, जहाँ पर कांग्रेस का हो, तृणमूल कांग्रेस का है, डीएमके का है सारा, या अकाली दल का होता है, इसमें सेंटर में होना और स्टेट में होना बहुत जरूरी नहीं है। हमारे यहाँ पर जो प्लानिंग होती है, पहले आप जानते ही हैं प्लानिंग कमीशन होता था, आज के दिन में नीति आयोग के, उसको नाम चेंज करके नीति आयोग है, नीति आयोग जो है ना पूरा ये डेवलपमेंट का ये प्लानिंग करते हैं। वही प्लानिंग के तहत सारे डेवलपमेंट जो है हर एक स्टेट में बजट एलोकेशन सारा बराबर मिलता है, तो उस लिहाज से आपको कोई सेंटर और यहाँ पर एक ही पार्टी आने की जरूरत नहीं होती है। तो अगर इस तरह से होता तो हमारे जितने भी दूसरे, दिल्ली में देख लीजिए, दिल्ली में हमारा आम आदमी पार्टी का हुकूमत है, लेकिन दिल्ली ने जितना अरविंद केजरीवाल जी ने वहां करके दिखाया, वो उनके बीजेपी रूल स्टेट में देखिए, वहां इसका आधा भी नहीं है। तो ये साफ जाहिर है कि नेशनल जो हमारा नीति आयोग जो प्लानिंग करता है, जो बजट एलोकेशन का एक फार्मूला होता है, उस फार्मूला और नीति आयोग के तहत सारा जो हमें जो मिलना होता है वो मिलता है। तो ये जरूरी नहीं है, जरूरी ये है कि जो हमारे जो भी पार्टी होगा स्टेट में होगा, उनका उनमें इतना क्षमता, उनमें इतना ये होनी चाहिए कि वो डेवलपमेंट करने का आइडिया हो, सोच हो, और उनको करने की कुवत हो। तो ये जो है ना आदमी पे डिपेंड होता है कि आदमी में कितना, पार्टी में, ऑर्गेनाइजेशन में कितना इतना काबिलियत हो। तो हमारे आम आदमी पार्टी में दिल्ली में दिखाया, बाकी स्टेट में भी जहां पर बीजेपी नहीं है वो भी अच्छे कर रहे हैं। पंजाब का देखो मिसाल के तौर पर, जहां कांग्रेस का रूल है वहां अच्छा हो रहा है, अच्छा कर रहे हैं। तो इस तरह से ये कोई जरूरी नहीं है। और साथ साथ इसमें जो एक एक चीज कॉन्स्टिट्यूशन एक चीज मैं और ऐड कर देता हूँ इसमें। देखिए, कोई भी चीज करने के लिए नीयत अच्छी होनी चाहिए कि काम हमें करना है, विकास करना है। आज लद्दाख को यूटी बने 1.5 साल करीब हो गया। 1.5 साल में अगर उन्होंने कुछ किया है तो उस काम के आधार पर वोट मांगते हैं ना, कि हमने 1.5 साल में ये करके दिखाया। अगर सिर्फ कागजों में लिखकर विकास नहीं हो सकता, विकास को ग्राउंड पे दिखना पड़ेगा। सर अभी आपने ए, आप कुछ और पूछिए। साथ साथ जो कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड और खासकर शेड्यूल की जो डिमांड यहाँ से होती, उसके लिए भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक तरह से तो एश्योरेंस तो लगातार दिया जा रहा है। और साथ साथ ये कह रहे हैं कि अगर कोई भी सरकार लद्दाख को अगर कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड या शेड्यूल दे सकता है, वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही दे सकता है। इसका कुछ देखिए, अगर भारतीय जनता पार्टी दे सकती है तो दे देना चाहिए था, हमें मांगने की जरूरत ही नहीं है, दे देती। अभी तक इतनी जनता को इतना जब चिल्लाने की, रेरा तो लद्दाख की जनता ने नहीं मांगा ना, रेरा दे दिया इन्होंने। रेरा की क्या जरूरत थी? लद्दाख में जरूरत है रेरा की, लेकिन लद्दाख को रेरा दे दिया। तो उनकी जो मर्जी होगी वो तो 1 मिनट में दे देंगे, बाकी जनता मांगते रहे। अभी भी बोला कि 15 दिन में हम बुला लेंगे। अरे 15 दिन में क्यों बुला रहे हो? आज बुला के फैसला कर लो। बुलाया ही है ना, उसी टाइम फैसला कर लेते। तो ये सब सब धोखेबाजी है, इन सब में फंसकर कोई फायदा नहीं है। लद्दाख की जनता को क्लियर संदेश है कि भाजपा की नीयत नहीं है सिक्स शेड्यूल देने की, कोई प्रोटेक्शन देने।
सर अभी आपने बोला कि जरूरी नहीं है केंद्र में सरकार हो, वही लोकल में होना चाहिए, और बहुत सारे जगह का एग्जाम्पल दिया, वो सक्सेसफुली चल रहा है। लेकिन लद्दाख और बाकी जैसे पंजाब हो, दिल्ली तो कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि लद्दाख को सेंट्रल गवर्नमेंट के पास फंड के लिए डिपेंड रहना पड़ेगा, क्योंकि कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है वहां। तो टैक्स वगैरह अलग अपना गवर्नमेंट ने इनकम जनरेट करके वो गवर्नमेंट चला सकते हैं। आप क्या कहेंगे सर? तो लद्दाख को फंड तो देना ही पड़ेगा सेंट्रल गवर्नमेंट को। आज लद्दाख की जो जनता है उनको क्या आप पैसे छोड़ दोगे? अगर इसका मतलब तो ये हुआ कि अगर केंद्र में भाजपा की सरकार नहीं है या लद्दाख में भाजपा नहीं है, इट मींस कि हम सेंटर से फंड ही नहीं देंगे लद्दाख को, लद्दाख को हम भूल जाएंगे? दैट इज नॉट पॉसिबल, ये तो संभव ही नहीं है। क्या है, लद्दाख हमारे दिल का हिस्सा है, लद्दाख देश का मुकुट है। मैं कहता हूँ लद्दाख देश का मुकुट है और लद्दाख के सम्मान में ही देश का सम्मान है। तो ऐसा कभी नहीं हो सकता, और अगर ऐसा कभी होगा, आम आदमी पार्टी आप और आम आदमी पार्टी, लद्दाख की जनता सब एक साथ खड़े होकर अपने अधिकार को लेकर रहे। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू।